तो स्क्रीन पर आपको जो है वो कल हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसका लेक्चर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसमें हमने जो है वो डिस्कशन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसको मेजर किया जा सकता है और जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और उसके बाद यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि आप एक यूनिट के बगैर किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो शो नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकली शो करने के लिए आपको यूनिट लाजमी चाहिए होती है। जैसे मास को शो करने के लिए आपको किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह चाहिए। टेम्परेचर को शो करने के लिए आपको सेंटीग्रेड, केल्विन वगैरह चाहिए। स्पीड को शो करने के लिए आपको किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड वगैरह चाहिए। उसके बाद एसआई यूनिट का स्टेप आया था। एसआई यूनिट का मतलब ये होता है कि हर क्वांटिटी की आपने एक यूनिट फिक्स की हुई है और वो उसके एसआई यूनिट कहलाती है। एसआई यूनिट दो तरह की होती है। एसआई यूनिट दो तरह की होती है। एक जो है वो बेस एसआई यूनिट कहलाती है और एक ड्राइव एसआई यूनिट कहलाती है। बेस एसआई यूनिट जो होती है हमारे पास पांच होती है। बेस एसआई यूनिट हमारे पास पांच होती हैं, जबकि उसके अलावा बाकी जितनी भी होती हैं, उसके अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी ड्राइव यूनिट्स होती हैं। ठीक है। अब जो बेस एसआई यूनिट है वो वैसे तो सात होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो पांच है। तो वो पांच बेस एसआई यूनिट्स कौन सी होती हैं? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकंड एंड एम्पियर। और एक इसकी यूनिट होती है लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम ऑफ करंट। जबकि ड्राइव यूनिट्स होती हैं, इसके अलावा जितनी भी एसआई यूनिट्स होती हैं सब ड्राइव होती हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, वर्क यूनिट जूल, पावर की जो है वॉट, प्रेशर की पास्कल, वोल्टेज की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, चार्ज की कूलम वगैरह वगैरह, ये सब ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। फिर मैंने आपको जो है ये एक टेबल सीरीज के जरिए प्रैक्टिस कराई थी कि मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे थे। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि वो चीज़ क्वांटिटी है या यूनिट है। फिर हमने डिसाइड किया था कि अगर वो यूनिट है तो वो एसआई यूनिट है, और अगर वो क्वांटिटी है तो उसका एसआई होना ना होना इधर डिपेंड है। फिर हमने देखा था कि जो क्वांटिटी है या वो यूनिट है वो बेस है या ड्राइव है। और सर मैंने आपको तकरीबन जो है सात आठ चीज़ों की प्रैक्टिस कराई थी ये समझाने के लिए किस तरह से आप क्वांटिटी के बारे में फैसला करते हैं और बेस क्वांटिटी के बारे में या बेस यूनिट के बारे में फैसला करते हैं और ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट के बारे में फैसला करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया कि जो है वो अच्छा। अब जो है ना हम अगली चीज डिस्कस करेंगे वो क्या है? अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्रेसिंग और ड्राइव यूनिट टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ये करना है कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं, जो ड्राइव एसआई यूनिट्स हैं, उनको हमें इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स जो शो करना है। यहाँ पे जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको हमें इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स है वो एक्सप्रेस करना है। अब देखिए बेस एसआई यूनिट्स आपके पास जो है वो पांच है, मतलब हमारे सिलेबस में जो बेस एसआई यूनिट्स हैं वो कितनी हैं? पांच हैं। अब वो पांच यूनिट कौन कौन सी हैं? वो पांच यूनिट्स हैं मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पेयर और कैल्विन। ये पांच एसआई यूनिट्स जो है ये बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं और हमारे सिलेबस में ये पांच बेस एसआई यूनिट्स। अब इसके अलावा जितनी भी ड्राइव यूनिट्स हैं उनको ड्राइव करना है हमें और उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट। यानी कि हर ड्राइव यूनिट जो है वो इन पांचों के जरिए ड्राइव होती है, इसलिए उसको ड्राइव यूनिट कहा जाता है। तो आपको सारे ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर और कैल्विन शो करना है। अभी कैसे शो करना है मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के जरिए कराता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे अगर हम बात कर लेते हैं न्यूटन की, बात कर लें न्यूटन
न्यूटन। अब ये जो मैंने आपके सामने न्यूटन लिखा है पूरा वर्ड में, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन लिखने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने न्यूटन ये लिखा और एक मैंने न्यूटन ये लिखा, ठीक है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये दोनों न्यूटन लिखने में क्या फर्क है या एक ही चीज है? सर मैं आए सर, एक जो कैपिटल एन न्यूटन है वो सर आइजेक न्यूटन को रेफर कर रहे हैं, और जो स्मॉल एन न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट की बात हो रही है। बिल्कुल सही, बेहतरीन बात करी जहाजिर ने। देखिए होता ही है कि फिजिक्स में एक ट्रेडिशन है, बहुत सारे लोग इस बात को नोट नहीं करते कि फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट्स है ना वो साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई है, जैसे न्यूटन, पास्कल, जूल, वॉट, एम्पियर, ओहम, वोल्ट, ये सब जो है ना सब साइंटिस्ट के नाम है। तो अब अगर मुझे एम्पियर लिखना है, पूरा वर्ड एम्पियर लिखना है, तो अगर मैं स्मॉल एम से लिखूंगा ना एम्पियर, तो ये यूनिट एम्पियर है। अगर मैं कैपिटल एम से लिखूंगा तो ये साइंटिस्ट एम्पियर का नाम है। ऐसे जब मैं स्मॉल एम से न्यूटन लिखता हूँ तो ये यूनिट न्यूटन की बात हो रही है, फोर्स की यूनिट न्यूटन की बात हो रही है। लेकिन जब मैं कैपिटल एम से न्यूटन लिखता हूँ तो उसका मतलब ये कि मैं सर आइजैक न्यूटन इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था।
लोग बस ये माइक बंद कर लो यार, ये शोर आ रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही? यस सर, आ रही है आवाज? अच्छा सर, नेट बहुत अनस्टेबल हुआ हुआ है मेरा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एनीवेज हम बात कर रहे थे फोर्स की, न्यूटन की यूनिट है न्यूटन फोर्स की है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिखने का, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका जो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आप यूनिट देखें, ठीक है, अगर आप यूनिट देखें यहाँ पर, तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का इशू होता है मेरे पास, सेकंड हो जाएगा इसको। चलिए अब बताएं आप, जरा कुछ बेहतर हुई आवाज और वीडियो? सही हुई? देखें जरा यस सर, सही हुई अब? चलो ठीक है, सही है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि हमने सबसे पहले एक ड्राइव यूनिट है न्यूटन, उसको आपको इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट से है वो एक्सप्रेस करना है। अब न्यूटन जो है वो बेसिकली किस चीज की यूनिट है? न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है। अब फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, इस फोर्स के फॉर्मूले में तमाम चीजों की एसआई यूनिट लिख देंगे। न्यूटन के एसआई यूनिट, न्यूटन जो है वो फोर्स के एसआई यूनिट है, मास के एसआई यूनिट किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वैसे आपने बचपन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ये करते हैं कि आमतौर पर यूनिट्स को जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो जो यूनिट्स डिनोमिनेटर में होती है ना उनको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं। मिसाल तौर पर मीटर तो पहले न्यूमरेटर में, सेकंड स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब आप न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो स्क्वायर जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में लिखा हुआ अगर एक्स अपॉन वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो उस वाई को ऊपर लेकर आना है तो उसकी जो पावर होगी नेगेटिव हो जाएगी ना, -3 हो जाएगी। ज़्यादा फर्क करें एक्स अपॉन वाई की पावर -2 लिखा हुआ है, जब आप इस एक्स की पावर वाई की पावर -2 को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर +2 हो जाएगा। जब भी आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं तो उसकी पावर जो है वो ऑपोजिट हो जाती है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है अब्बास, नेट मेरा नेट चला गया या आपका नेट चला गया? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ भाई, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ तो भाई अब्बास भाई, आपका नेट गया हुआ है या मेरा नेट ही गया? ऑलराइट, तो अब मैंने ये कहा कि आपने जो है यहाँ पर मास की यूनिट किलोग्राम लिख दी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दी। अब देखें
न्यूटन को हमने इक्वेट किया, जिससे हमने न्यूटन को इक्वेट किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसमें से किलोग्राम है तो बेस एसआई यूनिट में आता है, बिल्कुल आता है। मीटर जो है बेस एसआई यूनिट में आता है, बिल्कुल आता है। सेकंड जो है बेस एसआई यूनिट में आता है, बिल्कुल आता है। तो आपने न्यूटन को यानी कि ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट से एक्सप्रेस कर, बात आई कुछ कुछ। देखें अगला और सवाल, एक और देखें। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है पास्कल, ठीक है। अगली जो ड्राइव यूनिट हम डिस्कस करेंगे वो है पास्कल। अब हमें क्या करना है कि हमें पास्कल को जो है इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है, हमें पास्कल को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। इसको हम बेस एसआई यूनिट में एक्सप्रेस तो कर देंगे, लेकिन पहले आप ये देखेंगे पास्कल यूनिट किस चीज की है। पहले आप ये देखेंगे पास्कल जो है वो यूनिट है किस चीज की। देखिए पास्कल जो यूनिट है बेसिकली प्रेशर की है। पास्कल किस चीज की यूनिट है? पास्कल प्रेशर की यूनिट है। और प्रेशर जो है वो बेसिक फॉर्मूला प्रेशर का है क्या? प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर आप यूनिट्स पुट करें, क्या पुट करें भाई? यूनिट। तो आप यूनिट्स पुट करेंगे तो प्रेशर की यूनिट हमने एसआई यूनिट क्या रखी हुई है? पास्कल रखी हुई है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या रखी हुई है हमने? न्यूटन। और एरिया की एसआई यूनिट हमने क्या रखी हुई है? मीटर स्क्वायर। तो पास्कल बराबर हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। मीटर बेस एसआई यूनिट है, मीटर बेस एसआई यूनिट है भाई। क्या न्यूटन बेस एसआई यूनिट है? न्यूटन बेस एसआई यूनिट नहीं है। तो मीटर स्क्वायर तो सही आ गया, लेकिन इस न्यूटन को आपको जो है बेस एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक अच्छी बात यह है फॉर्चुनेटली कि न्यूटन को भी हमने ऊपर ही एक स्टेप में जो बेस एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। अभी हमने देखा है कि न्यूटन जो है वो इक्वल आया किसके? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आया। यहाँ पर मैं न्यूटन को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? मैं न्यूटन को रिप्लेस कर सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। नीचे का लिखा हुआ भाई मीटर स्क्वायर लिखा। तो नीचे वाले मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे x x स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, x बचता है, ऐसे मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा। अब इस मीटर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो पास्कल जो है वो इक्विवेलेंट आएगा किसके? किलोग्राम। जब ये मीटर ऊपर जाएगा, अभी मीटर के ऊपर पावर वन है, जब ये डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर वन से क्या हो जाएगी? माइनस वन। और सेकेंड की पावर तो ऑलरेडी माइनस। तो पास्कल जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट क्या हुआ? पास्कल जो है इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट हुआ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर माइनस वन एंड सेकंड माइनस। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आप लोग। तीसरी ड्राइव यूनिट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है जूल। तीसरी ड्राइव यूनिट जो डिस्कस करेंगे वो है जूल। अब जूल को आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जूल यूनिट है किस चीज। और जूल जो है वो बेसिकली यूनिट है वर्क। और वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय। वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसकी यूनिट्स देखते हैं यहाँ पर, तो वर्क यूनिट क्या बनती है? जूल बनती है। फोर्स यूनिट क्या बनती है? न्यूटन बनती है। और डिस्टेंस यूनिट क्या बनती है? मीटर। तो ये जूल जो है वो बेसिकली बराबर है न्यूटन मीटर के, लेकिन इसमें से मीटर जो है वो तो बेस एसआई यूनिट है, लेकिन न्यूटन जो है वो बेस एसआई यूनिट नहीं है। तो आपको न्यूटन को बेस एसआई यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब न्यूटन हम पहले ही निकाल चुके हैं। न्यूटन किसके बराबर आया था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर आया था, और उसको मल्टीप्लाई करना है फिर मीटर। लेकिन ना हमने शुरू में न्यूटन जो निकाला था इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आया था। तो जूल जो कि न्यूटन मीटर के बराबर आ रहा है, तो न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू पुट करेंगे और मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसको हम मीटर से मल्टीप्लाई, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं था, किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वायर नहीं है, तो ये न्यूटन आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसको मल्टीप्लाई कर मीटर कर देंगे, तो जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस, मतलब ये हो गया जूल जो है इक्विवेलेंट हुआ किसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के इक्विवेलेंट। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद जो चौथी चीज है वो क्या कहलाती है, तो वह जो चौथी चीज है वो कहलाती है आपकी वॉट, मर्जी है भाई। कुछ बोल रहे हैं आप लोग, मुझे आवाज नहीं है क्लियर, आप लोग कुछ कह रहे थे क्या अभी? All right, what? What हमारी अगली यूनिट है जिसको आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। अब पहले हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि वॉट है किस चीज की यूनिट। तो वॉट जो है बेसिकली पावर की यूनिट है, वॉट जो है बेसिकली पावर की यूनिट। और पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क अपॉन। यहाँ पर अगर हम सब चीजों की यूनिट पुट करें, पावर की, वर्क की, टाइम की, तो पावर आप किसमें नाप रहे हैं, वॉट में, वर्क आप किसमें नाप रहे हैं, जूल में, और टाइम किसमें नाप रहे हैं आप, सेकंड। ठीक है, ये जूल पर सेकंड हो गया वॉट। अब सेकंड तो बेस एसआई यूनिट है, लेकिन जूल बेस एसआई यूनिट नहीं है, जूल को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट। तो जूल हमने किसके बराबर डिराइव किया है, जूल हमने बराबर ड्राइव किया किसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर ड्राइव, तो जूल की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू डिवाइड बाई सेकंड, सेकंड के ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड माइनस वन है ऊपर जाके माइनस, ये सेकंड जो है प्लस वन है नीचे, जब उसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और एक माइनस टू पहले से ही सेकंड होता है, तो सेकंड टोटल कितना हो जाएगा माइनस थ्री। आपको जो वॉट है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट किसके बराबर हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री के बराबर। ठीक है, ये हो गया वॉट। वॉट के बाद जो फिर अगली यूनिट आती है वो तो आती है किसकी, सर सर बोले सर, ये बताएं कि किसी चीज का अगर उसके जनरल फॉर्मूला से निकाले या डिराइव से निकाले तो उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तभी आपको बेसिक फॉर्मूले से करा रहा हूँ ना। अब आगे आप और भी फॉर्मूले पढ़ लेंगे अगर पावर के, या अगर आप और किसी चीज़ों के और फॉर्मूले पढ़ लेंगे, तो हर फॉर्मूले से यही निकलना चाहिए आंसर, यही अलग। आप फॉर्मूला कोई भी यूज करें, जैसे आपका जो है वो जूल जो है वो एनर्जी का भी जो है वो यूनिट है। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लें हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो उससे भी आंसर यही आना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जूल की हम बात दोबारा से कर लेते हैं, जूल की बात हम दोबारा से कर लेते हैं। हमने जूल को किसकी यूनिट कंसीडर किया है, हमने जूल को वर्क की यूनिट कंसीडर किया है, लेकिन जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी हो सकती है, जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी आपने किसके बराबर पढ़ी थी, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर पढ़ी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप यूनिट पुट करें सारी, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, वन अपॉन टू एक नंबर है तो वन अपॉन टू की कोई यूनिट नहीं होती, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वी का मतलब है स्पीड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड को मैं ऊपर ला के लिख रहा हूँ माइनस वन करके लिख, और स्पीड पे स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है वो मीटर पे भी लगेगा और सेकंड माइनस वन पे भी लगेगा। जब ये स्क्वायर मीटर पे लगेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड माइनस वन को स्क्वायर करेंगे तो सेकंड माइनस टू हो जाएगा। तो किसके बराबर आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने जूल को वर्क की यूनिट लिया था तब भी आंसर क्या आया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, और जब मैंने जूल को काइनेटिक एनर्जी की यूनिट लिया तब भी आंसर जो है जूल किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला लगाए आंसर सेम आना चाहिए। तो जूल को आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करें
जूल बराबर किसके आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस रूट ही बराबर आएगा। हाँ भैया दीक्षा बात क्लियर हो गई। सही है सर, सही। अब अगली जो यूनिट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्या है, अगली यूनिट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कूलम। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कूलम है यूनिट किस चीज़ की। कूलम जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सारे फॉर्मूलों में आता है, लेकिन जो सबसे बेसिक फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है करंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। आपको याद होगा आपने बचपन में पढ़ा था कि करंट I बराबर होता था किसके, क्यू अपॉन टी के बराबर। यहाँ पर क्यू का मतलब चार्ज होता था, टी का मतलब टाइम होता था, करंट I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता था। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज को यानी कि क्यू को सब्जेक्ट बनाऊँ तो किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा I मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर अगर मैं जो है वो चार्ज को अगर सब्जेक्ट बना लूँ तो चार्ज बराबर होगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, यानी कि क्यू बराबर होगा आई मल्टीप्लाई बाय। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो हमारे पास है वो है कूलम कैपिटल सी। करंट की यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर। और टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है, सेकेंड। तो कूलम जो है किसके बराबर हो जाएगा, कूलम बराबर हो जाएगा ए एस, यानी कि एम्पियर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। कूलम हमारा बराबर हो गया एम्पियर सेकंड के बराबर, ए एस के बराबर हो जाएगा कूलम हमारा, ठीक है जी। अब और आगे चलते हैं, उसके बाद जो अगली चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नंबर सिक्स पर वो है वोल्ट। वो क्या है, वोल्ट। और वोल्ट हम शो करते हैं कैपिटल वी, ठीक है। अब ये बताएं कि वोल्ट किस चीज की यूनिट है, कितने आप लोग ड्राइव करें वोल्ट को, आप इन टर्म्स ऑफ बेसिस है यूनिट ड्राइव करें। आप लोग वोल्ट को इन टर्म्स ऑफ बेसिस है यूनिट ड्राइव करें, शाबाश जल्दी से। सर मे आई, जोर से बोलो सर, मे आई स्पीक सर। किलोग्राम सर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड की पावर माइनस थ्री और एम्पियर।
एक दफा रिपीट करना दोबारा से। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड रेज टू द पावर माइनस थ्री एम्पीयर और एम्पीयर। ऑलराइट, तो आपका ख्याल है कि वोल्ट बराबर होना चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पीयर के बराबर होना चाहिए, ये कहना है आपका। एम्पीयर टू द पावर माइनस वन। एम्पीयर टू द पावर माइनस वन, अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको अभी। और इसके अलावा और कोई मतलब बताएं? आप और किसी ने निकाला है इसके आंसर? ऑलराइट, एहतिशाम का आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू पर एम्पियर सेकंड। आशीष जहांगीर का आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर माइनस वन सेकंड माइनस थ्री। मोहम्मद फरजान का आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन। हाँ, तो एक ही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, वोल्ट बेसिकली किस चीज़ की यूनिट है? वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने ऑलवेज पढ़ा था किसके बराबर था? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बराबर था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर यहाँ पर आप यूनिट्स पुट करें सारी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। वर्क यूनिट हो गई जूल, और चार्ज यूनिट हो गई कूलम। अब देखें ना, तो जूल बेस ऐसा यूनिट है, ना ही कूलम बेस एसआई यूनिट है, दोनों ड्राइव यूनिट्स हैं और दोनों को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल की जो बेस एसआई यूनिट बनती है वो क्या बनती है? बनती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ये मैं जूल पर पीछे निकाला हुआ है, ये था जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। जूल की जगह उसके हमने बेस एसआई यूनिट रिप्लेस कर दी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। कूलम भी अभी ड्राइव किया था, कूलम बराबर आया था किसके? एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर और सेकंड दोनों डिनोमिनेटर इनको न्यूमरेटर बना, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड पड़ जाएगा तो माइनस वन होगा, सेकंड अभी डिनोमिनेटर में है ना, इसकी पावर वन है। जब इस पावर वन को सेकंड के ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वन हो जाएगी, और माइनस टू और माइनस वन मिलाकर कितना हो जाएगा? माइनस थ्री हो जाएगा। और एम्पियर जो है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम्पियर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा वोल्ट बराबर हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन। यानी कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर बताया। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग ड्राइव करें किसको, तो आप लोग ड्राइव करें ओहम को। इस तरह हम ओहम को ड्राइव करें। अब ओहम किसकी यूनिट है? ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस का तो बेसिक फॉर्मूला उसे पढ़ा था बचपन में, क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई पढ़ा था ना, वी इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था बचपन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। रेजिस्टेंस बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के, यानी कि आर बराबर है वी अपॉन आई। अगर आप यहाँ पे यूनिट्स पुट करें सारी, यहाँ पर आप सारी यूनिट्स पुट करें, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। इसमें से एम्पियर तो बेस एसआई यूनिट है, लेकिन वोल्ट बेस एसआई यूनिट नहीं है, बट फॉर्चुनेटली वोल्ट को हमने ऊपर ही ड्राइव किया है। और वोल्ट को हमने क्या ड्राइव किया हुआ है? वोल्ट को ड्राइव किया हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन, और नीचे एम्पियर। जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, यानी कि एम्पियर को ऊपर लेके जाएंगे
एम्पियर ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी इसकी पावर, और एक माइनस वन पहले से मौजूद है हमारे पास, तो एम्पियर माइनस वन, और एक बार एम्पियर माइनस वन आ जाएगा तो एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा माइनस, आपका ओम यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस, ठीक है ना, आपके ओम की वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ ड्राइव ऐसा यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट, अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट उसको एक्सप्रेस करते हैं, इसका तरीका ये होगा, ठीक है भाई। तो आई होप के बाद आप लोग समझ में आ गई हो। अब हमने जो बेस ऐसा यूनिट के टर्म में इसको शो किया है, इसमें हम काम और भी कर सकते हैं, और ये क्या है, ड्राइविंग ऐसा यूनिट। अब हम किसी चीज की ऐसा यूनिट को ड्राइव कैसे करते हैं, हम किसी चीज़ के ऐसा यूनिट को इस तरह ड्राइव करते हैं कि हमें सिर्फ उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता होगा तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि उस क्वांटिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तमाम यूनिट्स पुट करेंगे और वो उसकी यूनिट ड्राइव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि एफ बराबर है इसके सिक्स पाई बीटा वी, ठीक है। अब यहाँ पर जो F है वो क्या चीज़ है, F यहाँ पर फोर्स है, F यहाँ पे फोर्स है, सिक्स पाई एक नंबर है, थीटा यहाँ पर जो है एक चीज़ है, हम कहते हैं विस्कोसिटी, क्या कहते हैं, थीटा, इसको हम थीटा पढ़ते हैं, या मैंने ये जो बनाया है ग्रीक लेटर है ये, इस ग्रीक लेटर में N बनाते हैं और N की टांग को लंबा कर देते हैं, तो फिर ये क्या पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है E, ये ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है ईटा, ईटा बेसिकली यहाँ विस्कोसिटी को शो कर रहा है, ई यहाँ पर स्पीड को शो कर रहा है यानी कि वेलोसिटी को, और आर यहाँ पर शो कर रहा है किसको, रेडियस, आर किसको शो कर रहा है, रेडियस। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईटा, what is the unit of theta in terms of base size, यानी कि बेस ऐसा यूनिट की फॉर्म में theta की यूनिट क्या होनी चाहिए। सवाल ये कि what is the unit of theta in terms of base ऐसा यूनिट, लेकिन इसका तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एफ इक्वल्स टू सिक्स पाई थीटा डी आर, यूनिट ड्राइव करनी है उसको सब्जेक्ट बना ले, यानी कि आप बीटा को सब्जेक्ट बना ले तो बीटा किसके बराबर आएगा, बीटा बराबर आएगा एफ अपॉन सिक्स पाई बी इनटू आर, ठीक है। आपको चाहिए बीटा की यूनिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ बीटा, लेफ्ट साइड पे अपने यूनिट्स ऑफ बीटा लिखिए, राइट साइड पे जितनी चीजें आप उनकी यूनिट्स लिखेंगे, मिसाल तौर पर फोर्स यूनिट है न्यूटन, और मीटर ने भी हमने ड्राइव किया था किसके बराबर था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, सिक्स पाई की कोई यूनिट होती है, सिक्स पाई की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि सिक्स पाई एक नंबर है, वी स्पीड है, स्पीड की यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर, और आर क्या चीज है, रेडियस, रेडियस कैसा यूनिट क्या होती है, मीटर, तब क्या होगा एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, बाकी ये मीटर और सेकेंड माइनस वन ऊपर जाएगा, किलोग्राम सेकंड माइनस टू, ये सेकंड माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड प्लस वन, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, उसको आप सिंप्लीफाई करने आ गया, किलोग्राम मीटर पे माइनस वन है, सेकंड माइनस टू और सेकंड प्लस वन, एक पावर माइनस टू है एक पावर प्लस वन है, तो सेकंड माइनस टू प्लस सेकंड प्लस सेकंड प्लस वन जो है बराबर आएगा किसके, सेकंड माइनस वन के बराबर। तो लिहाजा आपके पास जो यूनिट्स ऑफ ईटा आई इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा ही है, आपके पास जो यूनिट्स ऑफ ईटा आई इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा ही वो क्या आई, वहीं आपके पास किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकंड माइनस, ठीक है।
तो बात कुछ भी समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आई तो एक सवाल और करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि भाई E is equal to 8 pi V cube T divided by 6 6 omega V square. V square ना करना, 6 omega A square करना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में E का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में P का मतलब है पावर। इस फॉर्मूले में V का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में V का मतलब है वॉल्यूम। इस फॉर्मूले में T का क्या मतलब है? इस फॉर्मूले में T का मतलब है टाइम। इस फॉर्मूले में A का मतलब क्या है? A का मतलब है एरिया। और ओमेगा यहाँ पर क्या चीज है? ओमेगा यहाँ पर एक अननोन चीज है, हमें नहीं पता कि ओमेगा क्या चीज है, हमें नहीं पता ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा का नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो ओमेगा की यूनिट्स निकालनी है और उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस साइज। तो ओमेगा पढ़ते हैं, ये भी एक ग्रीक लेटर है, क्या पढ़ते हैं? ओमेगा पढ़ते हैं। ये डब्ल्यू जैसा लगता है, फर्क है कि डब्ल्यू की टांगे सीधी होती हैं, इसकी टांगे ऐसे कर्व होती हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना है यूनिट्स ऑफ ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ बेस साइज, ठीक है। इसमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस साइज, आपको ओमेगा की यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ बेस साइज एक्सप्रेस करना है। अब बात सारी वही है कि पहले फॉर्मूले में आप ओमेगा को सब्जेक्ट बना लें। जब आप फॉर्मूले में ओमेगा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 8 पाई वी क्यूब टी अपॉन P into 6 into A, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप यूनिट्स ऑफ ओमेगा निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ ओमेगा, तो राइट साइड पे भी सारी यूनिट्स लिखेंगे आप। जब आप राइट साइड पे सारी यूनिट्स लिखेंगे तो 8 पाई की जो कोई यूनिट नहीं होती। V का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम के साइड यूनिट होती है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब के ऊपर भी क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर क्यूब है फॉर्मूले। जो पावर फॉर्मूले में किसी क्वांटिटी पर होगी वही पावर उसकी यूनिट पर भी आएगी। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है और वॉल्यूम के ऊपर क्यूब है, तो मीटर क्यूब पर क्यूब आएगा। टी का मतलब है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। टी का मतलब है पावर, पावर की बेस साइज हमने निकाली थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। पावर की यूनिट हमने निकाली थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। सिक्स एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ए एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एरिया पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर भी एरिया स्क्वायर आएगा। तो ऊपर ये बनेगा मीटर की पावर 3 × 9 इंटू सेकेंड, और नीचे क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री और मीटर की पावर 4, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में मीटर की टोटल पावर बन रही है 6, मीटर की पावर 2 और मीटर की पावर 4, तो मीटर की पावर 2 और मीटर की पावर 4 कैंसिल हो गया, 6 होगा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा? ठीक है, बाकी सब कुछ आप ऊपर लेना है। मीटर की पावर 3 है, सेकंड है, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1, और सेकंड माइनस 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? सेकंड प्लस। यूनिट ऑफ ओमेगा ओवरऑल बनेगी किलोग्राम माइनस 1 मीटर क्यूब और सेकंड की पावर, सेकंड की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी 3 और 1, सेकंड की पावर 2 हो जाएगी। तो यूनिट्स ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या बनी? यूनिट्स ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बनी किलोग्राम माइनस 1 मीटर क्यूब सेकंड, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ बात करी ड्राइव यूनिट्स के ऊपर, और आई होप कि आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, ये आप लोगों की समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। ज़्यादातर जब आपके साथ इसकी वर्कशीट शेयर करूँगा तो उसमें और आप इसको प्रैक्टिस करने को मिलेगी आपको, तो इस पर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे और उस पर हम कल बात करेंगे। कल हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, पास पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे उस पर इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में।